वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कि आप लोग को मॉक टेस्ट कैसे देना है ना। अगर आईटीआई स्टूडेंट हैं तो आप मॉक टेस्ट कैसे देंगे, है ना, कैसे आप अपनी ऑनलाइन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो थ्री डॉट यहाँ पे जो थ्री डॉट है यहाँ पर आपको सिंपली जाना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको लिखा हुआ रहेगा डेस्कटॉप साइट, ठीक है, इसको आपको ओके करना है। यहाँ मेरे पहले से ओके हम कर दिए, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद फिर आप बैक जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सर्च आप करेंगे, आपको सर्च करना है मॉक आईटीआई ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। यहाँ से ये जो मैंने लिखा है ये आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार के इंटरफेस खुलेंगे, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे, जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस खुलेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना नेम लिखना है, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे कॉलेज नेम जहाँ से आप आईटीआई कर रहे हैं ना, आईटीआई कॉलेज नेम, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको लिखना है मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है पासवर्ड, यहाँ पे भी कंफर्म पासवर्ड देना है। कौन सा पासवर्ड देंगे, ये अपना ईमेल आईडी की पासवर्ड देंगे, क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन पे ओके करना है, ठीक है। एक बार अगर आप मोबाइल में या लैपटॉप में एक बार अगर आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको ये डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले बार आप दे रहे हैं तो आप अपना डिटेल भर के आगे बढ़ेंगे, और अगर एक बार आप दे चुके हैं फिर लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन देगा, ठीक है, साइन इन का ऑप्शन देगा। उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे आप सिंपली क्लिक करेंगे, ऐसा आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे ना, सब लोग अपना अपना लिख लेंगे जो जिनका नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बार हमने लॉगिन कर दिए हैं, इसलिए अगर एक बार आप दे चुके हैं मॉक टेस्ट दोबारा देना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट साइन इन पर जाना होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की एक इंटरफेस खुलेगी जिसमें ईमेल आईडी मांगा जाएगा और ईमेल आईडी की पासवर्ड मांगा जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम अब जो है ईमेल आईडी अपना देते हैं और ईमेल आईडी की पासवर्ड देते हैं, ठीक है। जैसे आप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ठीक है। अब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुलेंगे, ठीक है। आपका जो ट्रेड है उसके अनुसार आप अपना यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको फीटर का देना है सपोज डेट, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फीटर में आपको अगर देना चाहें तो आप जो है यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस खुलेंगे, ठीक है। इस प्रकार के इंटरफेस आपके सामने खुलेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन का रहा है विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी कट विथ ए रास्प कट फाइल, ठीक है। रास्प कट फाइल की बात कर रहा है, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको पता होगा रास्प कट फाइल का प्रयोग जो है लेदर और वुड लकड़ी में किया जाता है, तो ये आंसर है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि मैंने इसको ओके किया, ओके करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से आप सिंपली क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर दो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो भी आपको आएगा, उसको भी जो आंसर हो जाएगा उसको क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना मॉक टेस्ट देंगे, लास्ट में आपको सबमिट करने के बाद दिखा देगा कि आपको कितना मार्क्स आया है। तो इस प्रकार से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इससे संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।